हाय कुकहोलिक्स, मेरे किचन में यानी कि शिप्रा के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ लोगों की फेवरेट मशरूम रिसोटो, और इसको बनाने के लिए बहुत ही इजी से स्टेप्स हैं। आप वो फॉलो करें, आपका रिसोटो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बनाते हैं मशरूम रिसोटो। इसके लिए सबसे पहले हम पैन में बटर डालेंगे। ताकि बटर जल ना जाए, मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इसके अंदर मैं डालूंगी गार्लिक। इटालियन फूड में गार्लिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, थोड़ी कम मात्रा में होता है लेकिन ऑलमोस्ट हर डिश में गार्लिक जाता है। ये गार्लिक गया अंदर, और जब तक ये हो रहा है मैं अपने अनियंस को भी चॉप कर रही हूँ। ये हम अनियंस को चॉप कर रहा हूँ, और अब डालेंगे ये अनियंस। अब हमें इसे सॉटे करना है अच्छे से, और ये देखिए ये सॉटे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अपने आर्बोरियो राइस यानी कि जो रिसोटो राइस हैं उनको डालेंगे। इसे हमें अच्छे से भूनना है ताकि जो एक एक दाना है इसका वो सॉटे हो जाए। और मशरूम रिसोटो है यानी कि मशरूम तो डलेंगे ही, तो हम मशरूम की तैयारी करते हैं। ये है ताज़े मशरूम, इसको हम चॉप करेंगे। ये रिसोटो अच्छे से कवर हो चुके हैं, कोट हो चुके हैं अपने बटर और ऑलिव ऑयल से। मुझे याद है मैंने रिसोटो की वर्कशॉप किया था स्विट्ज़रलैंड में। एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, उसका नाम है एस्कोना। थोड़ा इटालियन इन्फ्लुएंस है इसीलिए वहाँ पे रिसोटो का वर्कशॉप किया था, और मेरे साथ बहुत सारे इटालियन शेफ्स थे जो ऑथेंटिक रिसोटो बनाना जानते थे। सो दिस इज़ एन ऑथेंटिक रेसिपी। अब ये तैयार हो गया है, इसमें हम डालेंगे राइस वाइन विनेगर और साथ ही में थोड़ा सा पानी, और इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल सकते हैं हमारे चॉप्ड मशरूम। रिसोटो बनाने के लिए घड़ी देखकर लगते हैं 20 मिनट, और इसकी ट्रिक है कि जब भी हम राइस वाइन विनेगर डालते हैं या वाइन डालते हैं वहाँ पर मोस्टली, लेकिन मैंने राइस वाइन विनेगर डाला है इसके अंदर, और धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे ताकि जब रिसोटो पक जाए हमें पता चल जाए और हम उसे बनाना बंद कर दें। अब मैं डालूंगी इसके अंदर सॉल्ट और पेपर, साथ ही में मैं इसमें डाल रही हूँ चीज। पकना शुरू हो गया है, इसके अंदर पार्मेसान चीज ही डलता है। इट टेस्ट रियली गुड। रिसोटो बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर्बोरियो राइस। जो आर्बोरियो राइस होता है वो इटालियन राइस है और थोड़ा मोटा रहता है, तो इससे रिसोटो का जो टेक्सचर है, जो फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया आता है। इसमें स्टार्च होता है और स्टार्च के वजह से इसका जो फ्लेवर है वो एकदम हटके होता है। ये सेम चीज़ आप बासमती राइस के साथ मत बनाइएगा। हमारा मशरूम रिसोटो तैयार हो गया है, इसमें अब मैं डालूंगी क्रीम और थोड़ा सा क्रीम चीज़। लवली, अमेजिंग। अब मैं इसको प्लेट करती हूँ, और उससे पहले मेरे पास यहाँ पे मशरूम्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी इसको गार्निश करने के लिए। साथ में उसी के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे मशरूम्स के ऊपर, और थोड़ा सा पेपर। नाउ मेरे को अब ये लीजिए, ये हमारा क्रीमी मशरूम रिसोटो तैयार है। मैं इसको प्लेट करती हूँ। मशरूम बहुत जल्दी गल जाते हैं, और जिनको मशरूम पसंद है उनको पता है कि वो नॉनवेज शायद एक बार छोड़ दें बिकॉज दे सो डिलीशियस। तो ये हमारे मशरूम्स गल चुके हैं, तैयार हैं, इसको हम अपने रिसोटो के ऊपर लगा देंगे।
और ये क्रीमी रिसोटो, क्रीमी मशरूम रिसोटो, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आपका दिल तो जीत ही लेगा।